अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो सेकंड पार्ट है टाइप 54 चाइनीज मिलिट्री ग्रेड 30 बोर्ड टीटी का, उसमें पहले मैं आपको 1960 से लेकर 1969, देन 1970 से लेकर 1980, 81, 82, 83, 84, 85 के सीरियल्स का बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखें कि जो बेसिकली टाइप 54 फैक्ट्री 660 इन 1988 तक इसने काम किया है, और इनकी पिस्टल्स जो हैं वो 88 से 90 तक आई थी। देन उसके बाद 2006 में ये कंपनी बिल्कुल फैक्ट्री 6 ख़त्म हो गई थी, बट उसके पैरेलल जो है फैक्ट्री 636 काम कर रही थी। तो मैं आपको साथ साथ ये बताऊंगा मेन के इसका आपने किस तरह आपके इसके सीरियल नंबर से आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके सीरियल कोडिंग को। तो ये मेरे पास दो पिस्टल्स मेरी अपनी ज़ाती पड़ी हैं, इनमें मैं आपको साथ साथ तस्वीर भी शेयर करता रहूँगा, और आपको मैं इंशाल्लाह ताला ये भी बताऊँगा कि किस तरह आपने इनकी एयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपने इसकी आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा, एक चीज़ इनमें थोड़ा बहुत इनमें चेंजेस ये लोग लाते रहे 1960 से 1968 तक में, देन 70s से 80s तक, देन 80s से ऑनवर्ड। इनके फ्रेम में भी कुछ बहुत माइनर चेंजेस हैं, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में शायद एक्सप्लेन करूँगा। ये बेसिकली ये जो पिस्टल है ये 1980 का मॉडल है, और ये डल मैट फिनिश में है। अच्छा, ये जो इन्होंने फैक्ट्री 66 की जो ये बेसिकली फॉन्ट है, ये 1960 में थोड़े से चेंज हुए थे। ये जो इसका ये है थोड़ा सा कट शेप में आया, उससे पहले थोड़ा सा ये डिफरेंट था। ठीक है, ये 1980 का मॉडल है टाइप 54 का, और काफ़ी फाइन क्वालिटी। 80s में बेसिकली टाइप 54 में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई थी, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बेसिकली 80s के मॉडल में। और ये जो मेरे पास ये है 1968 का मॉडल है, जस्ट लाइक क्लेशनकोफ का, जैसे टाइप 2 सबसे ज़्यादा अच्छा मॉडल है, देन उसके मशहूर ज़माना 75 का मॉडल है, बट 60s का मॉडल बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। और लेकिन अगर फिनिश फिट एंड फिनिश के हिसाब से देखा जाए तो ये 80 का मॉडल थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। इसमें इन्होंने जो ट्रैगर गार्ड है ये ज़्यादा मोटा, बहुत मोटा है। तो ये जो मेरे लेफ़्ट साइड पर है ये बेसिकली 1968 का मॉडल है, और जो मेरे राइट साइड पर है ये 1980 का मॉडल है। इनमें एक जो चाइनीज़ सेंटर की मार्किंग है, थोड़ा सा इसमें एक बड़ा ही एक बारीक सा फ़र्क है, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। बज़ाहिर ये आइडेंटिकल हैं दोनों, बज़ाहिर ये 68 का मॉडल और ये 80s का मॉडल, लेकिन फिट फिनिशिंग वाइज इसकी 80 का मॉडल थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइंड है और ज़्यादा रीइंफोर्स्ड, मैं एक कह सकता हूँ कि रीइंफोर्स्ड मतलब उसको थोड़ा मजबूत किया गया थोड़ा कुछ चीज़ों को, कुछ पार्ट्स को। जैसे एक छोटी सी आपको मैं इसका ये ग्रिप नीचे से दिखा दूँ, सीधे हाथ वाला जो है ये 80 का मॉडल है, ये 68 का। अगर आप 80 के मॉडल का आप ये नीचे का ये देखें ट्रैगर का ये बेस प्लेट, सॉरी हैंड गार्ड का, तो ये काफ़ी मोटा है और ये थोड़ा सा पतला है, लेकिन बहरहाल दोनों बहुत अच्छे हैं। बैरल जो हैं इनकी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा ये जो 80 का मॉडल है ये इसकी जो ये क्राउन है ये जो आउटर का ये रिफाइंड है और थोड़ा सा मोटा है, 1968 का थोड़ा सा पतला है। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि 19 बेसिकली 54 और जो 54, 55, देन 56 और 59 के जो मॉडल्स हैं वो काफ़ी पतले पतले हैं, रशियन जैसे हैं, काफ़ी उनके ये ट्रैगर गार्ड काफ़ी पतले हैं और
उनमें भी ये डुअल कलर थे। ये भी एक डुअल कलर हल्का सा आता है, शायद आपको वीडियो में इस तरह ना दिखे। बेसिकली उसका जो ये पार्ट और ये पार्ट डुअल कलर है। अच्छा, जो 68 का जो ये मॉडल है, मैं इस पिस्टल का फ़र्क आपको बाद में मैं दूसरी वीडियो में बता दूंगा कि इन दोनों के ग्रिप में और छोटी छोटी चीज़ों में जो है जो चेंजेस लेते रहे, बट ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है। अब हम आते हैं सीरियल नंबर के ऊपर। अच्छा, 1960 और 61 में टाई 54 की प्रोडक्शन जो सीरियल कोडिंग है 1960 और 61 की वो नहीं थी। तो इस दौरान जो है M20 पिस्टल बनना शुरू हुए थे, क्योंकि वियतनाम वॉर स्टार्ट हो गई थी। तो इस दौरान और 1967 में वेपन्स पकड़े जाने लगे, तो जो M20 की जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली इन्हीं दो ईयर में हुई है, 1960 और 1961 में। इसमें आपको टाइप 54 का आपको कोई पिस्टल नहीं मिलेगा। सबको एक्चुअली पता है कि अगर ये पिस्टल चूँकि सामने है तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये 1968 का पिस्टल है, तो इसका सीरियल जो है शुरू में 15 है। अब सबको पता है नॉर्मली कि अगर 15 में आप 53 यानी कि 1953 का 53 ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो अगर आप इसमें मिलाएं तो 5 + 3 = 8, देन 5 + 1 = 6, तो 1968 हो गया। तो यानी कि आप शुरू के दो सीरियल में अगर आप 53 ऐड करेंगे तो आपको ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इसका आ जाएगा, जो कि ये सामने सबूत है। उसी तरह ये जो 19 मैं आपको हर सीरियल की कोडिंग के साथ आपको मैं तस्वीर भी शेयर करता रहूँगा साथ साथ, ताकि आपको क्लैरिटी रहे, और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट अपने पास लेकर रख लें। मैं आपको आखिर में सीरियल की पूरी कोडिंग की लिस्ट भी दे दूँगा ताकि एक आसानी रहे। अच्छा, अब ये जो है 1980 का मॉडल है। बेसिकली 1954 से लेकर 1959 तक का जो पिस्टल थे टाइप 54, उनकी जो सीरियल थी वो 7 डिजिट्स था, उसकी कोडिंग बिल्कुल अलग है। वो मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। 1960 से लेकर 1969, देन 70 से लेकर 80, देन 80 से लेकर 85, इवन 90 तक भी जो है पिस्टल की सीरीज़ में कोई फ़र्क नहीं है। 53 आप ऐड करें आपको नंबर ऑफ ईयर मैन्युफैक्चरिंग ईयर आ जाएगा। जैसे 270 की जो सीरियल है इसमें आप अगर 53 ऐड करें तो 7 + 3 = 10 आएगा, और 5, 6, 7, 8, तो 80। ये 270 की जो सीरियल है 1980 का ये मैन्युफैक्चरिंग है। तो बेसिकली 60 और 61 की सीरियल नहीं है। अच्छा, 1962 और 63 इनके जो ईयर हैं इसमें मुझे गुमान है कि शायद M20 बनती रही हैं, क्योंकि इनकी जो सीरियल कोडिंग है बिल्कुल डिफरेंट है। 1962 की जो सीरियल कोडिंग है वो 758 से स्टार्ट होती है, इसमें आप 53 मिलाएं तो कुछ भी नहीं होता। 60 से लेकर 63 को थोड़ा सा हम हटा देते हैं। देन 1964 की जो सीरियल है उस वो 110 की है। 110 में अगर आप 11 में अगर 53 ऐड करें तो वो 64 बनता है। देन 1965 की जो सीरियल कोडिंग है 120 है, अगर आप 12 में 53 ऐड करें तो 65 की सीरियल आती है। देन 1966 की जो सीरियल कोडिंग है 130 है, अगर आप उसमें 13 में 53 ऐड करें तो 66। 1967 की 14 है, 140 है बेसिकली, उसमें 14 में 53 ऐड करें तो आपको 1967 की ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आएगी। 1968 का जो है 15 है, 15 में 53 ऐड करें तो 68 की सीरियल आती है, और जो 15 की सीरियल ये हमारे पास मौजूद है। तो ये बेसिकली 1968 है, ये 15 है। अच्छा, इन सब का पैटर्न सेम होगा, 66 इसी के नीचे आएगा और 1968 होगा, इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। एटलीस्ट 66 की जो मार्किंग जिन ग्रूव्स के नीचे है ये सेम होगी, और उसके ऊपर ये 3 चाइनीज लेटर्स हैं। इस चाइनीज के जो ब्लॉक के नीचे एक छोटी सी डंडी आ रही है, ये 60s के तमाम मॉडल्स में आपको मिलेगी, और ये इसका 15 की इसकी सीरियल है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली, और इसका स्टार ये दबा हुआ स्टार है। जो 80s का स्टार है वो थोड़ा सा
डिफरेंट स्टार है, थोड़ा सा उभरा हुआ सा है, दोनों के स्टार में थोड़ा सा फ़र्क है, मामूली सा फ़र्क है। इनमें फ़र्क एक और भी है, अगर मैं आपको साथ साथ दिखा दूँ। बेसिकली जो 60s का जो मॉडल का अगर आप ये देखें, ये यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, जबकि जो 80s का मॉडल है इसमें ये गैप ख़त्म कर दिया है। सेकेंडली 60s का जो मॉडल है वो यहाँ पर प्लेन है, लेकिन जो ये 80s का मॉडल है इसमें हल्का सा ये कर्व, ये इसमें एक उभार है, ये उभार आ रहा है। 1969 की वो 160 से स्टार्ट है, अगर आप 16 में 53 ऐड करें 69 आएगा। देन 1970 की 170 की सीरियल है, देन 1971 की 180 है, देन 1972 की 19 सीरियल है, 1973 की 20 की सीरियल है, 1978 की 25 है। अब हम आ जाते हैं 1980 की। अच्छा, 1980 तक जो है वो 66 की भी पिस्टल्स हैं, सेम ये टाइप 54। अब जो 1980 की जो सीरियल है 270 की, 1980 में 636 के भी मॉडल हैं और 66 के भी हैं। उसी तरह 1981 की जो सीरीज़ है वो 280 है। अच्छा, 81 में भी 636 के भी सेम इस पैटर्न के, यानी कि ये बिल्कुल सेम इस पैटर्न के 636 में भी हैं और 66 के, उनमें कोई फ़र्क कुछ भी नहीं है, जस्ट यहाँ पर 636 एम्बोज्ड है इसी तरह। और अच्छा, सबके फॉन्ट्स बहुत बारीक और छोटे फॉन्ट्स हैं और ये बहुत गुदे हुए नहीं हैं, तो बिल्कुल ये समझ लें नॉर्मल पंच हुए हैं, बहुत ज़्यादा दबे हुए पंच नहीं हैं। और उनमें ये चाइनीज़ 3 सीरियल 636 में भी हैं और 66 में भी हैं। देन 1982 की जो सीरियल है वो 290 की है, उसमें भी 636 है और 66 है, दोनों का सेम है। जस्ट जो एक फ़र्क है वो दोनों के थोड़ा सा ये जो स्टार है इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये थोड़ा सा सिल्वरी है, और जो बेसिकली ब्लैक स्टार जो पिस्टल कहलाते हैं 60s के जो मॉडल हैं, जो एक्चुअल टाइप 54, एक्चुअल से मुराद थोड़ा सा टाइप 54 आप कह लें, वो इनके टोटली ब्लैक हैं और दबे हुए स्टार हैं, ये ब्लैक स्टार है। तो थोड़ा सा ये माइनर सा चेंजेस हैं। देन सबसे ज़्यादा जो 636 जो बनी है टाइप 54, सेम ये 80s का जो मॉडल है, वो जो है वो सीरियल वो बनी है 1983 में, उनकी सीरियल से 3008 और 3009। उसमें सबसे ज़्यादा जो 636 के आपको सेम इस पैटर्न के पिस्टल्स, जो 6 लिखा हो इसमें 66 भी हैं 636 भी हैं, यानी कि 636 के पिस्टल्स आपको मिलेंगे सेम इसी पैटर्न में, ऐसे जेट ब्लैक कलर में, सब बिल्कुल सेम ऐसी पैटर्न में, कोई फ़र्क उनमें नहीं है, सेम क्वालिटी सब कुछ उनकी सेम है, कोई इशू नहीं है। 10 इसमें भी 636 बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा बने थे और 66 थोड़े से कम हैं। ये तमाम 80s, 83, 84 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। 1985 में 320 है, 1990 की जो सीरियल है उस वो 370 है, और 1991 की 382 है। देन उसके बाद जो 636 था वो सिल्वर बैरल में ले आए थे, और बैरल प्रोफाइल थोड़ा सा, और ये मैट फिनिश 636 था, दोनों की पेंट क्वालिटी बिल्कुल सेम थी है, या शायद डल मैट ब्लैक था, और उनके मैगजीन्स भी जो थे वो इस तरह के, या अगर मैं दिखा सकूं, ये न्यू मॉडल मैगजीन्स हैं या ओल्ड मॉडल हैं, ये ऐसे डल थे और इनके थिक थे वो काफ़ी, इनके जो ये नया है और ये पुराना ओल्ड मॉडल, इसका जो ये है एजेस हैं ये उसके पुराने वाले के मोटे थे काफ़ी। और एक मेरे पास ये बहुत ओल्ड मॉडल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह का एक फॉलोअर में आता था, ठीक है। इन दोनों की सबकी ख़ास बात यह है कि इसका जो बेसिकली ये जो ये हैं ये काफ़ी मोटे हैं, और उसका ये भी राउंडेड है, ये जो ये वाली साइड है ये साइड राउंडेड है, तो जो बाद में खैर उन्होंने थोड़ा सा इसको पतला कर दिया, ये काफ़ी मोटे हैं, इसके जो नीचे बेस प्लेट है ये भी मोटी है। तो ये था आज का हमारा 80s का मॉडल, इनकी सीरियल की कोडिंग, और ये टाइप 54 60s के मॉडल, टाइप 54 मिलिट्री ग्रेड। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह ताला हम M20 पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।